हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न कंप्यूटर GSCTI GS कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के आज के इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आज हम सीखेंगे हेल्पर या नेम मैनेजर। हेल्पर क्या होता है या नेम मैनेजर क्या होता है, इसका क्या यूज होता है, आज हम एक डेटा के जरिए इसको बनाकर और इसका प्रैक्टिकल करके आपको आज की इस क्लास में हम आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, बगैर टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि हम यहां से हेल्पर वाले कॉलम में A5 पर मैंने क्लिक किया और मैंने इसको एक रेफरेंस दिया इक्वल B5 और उसके बाद एंड का साइन लगाएंगे, डबल इंटरेट कमा ओपन करेंगे, अंडरस्कोर डबल इंटरेट कमा क्लोज, अगर कुछ है तो कुछ लिखे, कुछ नहीं है तो कुछ नहीं, और एंड फिर से दोबारा से एंड का यूज किया और काउंटिफ का यूज किया, टैब दबाया, ब्रेकेट ओपन हो गया। फिर उसके बाद मैंने इसको रेफरेंस दिया B5 का, F4 से लॉक किया, फिर उसके बाद सेमी कॉलम, फिर B5, फिर कामा, और फिर इसके बाद फिर से मैंने इसको रेफरेंस दे दिया B5। फर्स्ट वाले को मैं लॉक करूंगा, F4 से मैंने सेल को लॉक कर दिया और उसके बाद जो दो बाकी हैं उनको क्या कर दिया, मैंने छोड़ दिया, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। मैंने इसको बोला कि B5 में अगर कुछ है तो उसको लिखे और कुछ नहीं है तो कुछ ना लिखे, इक्वल B5 एंड अंडरस्कोर एंड इनवर्टेड कॉमा ओपन इनवर्टेड कॉमा क्लोज, इसका मतलब यह है कि कुछ है तो कुछ लिखेगा, कुछ नहीं है तो कुछ नहीं लिखेगा। और फिर उसके बाद काउंट इफ, यदि B5 फिर उसके बाद कह रहा है कि यदि वो है क्या बोलते हैं उसमें कुछ लिखा है तो उसके बाद वो क्या करेगा उसी को रिवर्स करता हुआ जाएगा। एंटर कर दिया तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो मेरा स्टूडेंट है उसका नाम आ गया है, मैंने यहाँ पर डबल क्लिक कर दिया है और आप देखेंगे कि जो यहाँ पर जो बच्चे पहले हैं उनका नाम है, जहाँ पर आप यहाँ पर देखेंगे ये अलग है, सबके आगे नंबर्स पड़ गए हुए हैं। तो ये रहा हमारा हेल्पर का फार्मूला और हम इसको यूज कैसे करेंगे, आज हम इसको इस चैप्टर में देखेंगे कि इसको यूज हमें कैसे करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या लिख दिया, मैंने यहाँ पर लिखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, मैंने 10 सीरियल नंबर्स लिख लिए यहाँ पे और इक्वल मैंने इसको यहाँ पे कर दिया, इक्वल मैंने इसको क्या बोलते हैं इसको एक रेंज दे दिया। और आप देखेंगे कि जहाँ तक मेरा डेटा रहेगा मैंने उसको क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, इक्वल वी लुकअप, इक्वल मैंने यहां से कर लिया वी लुकअप। फिर उसके बाद मैं इसको एक रेफरेंस दूंगा, मैंने यहां पर इसको एक रेफरेंस दिया इक्वल वी लुकअप और इसको बोलूंगा ये वाला सेल, मैंने इसको रेफरेंस दे दिया और फिर उसके बाद इसको मैंने लॉक कर दिया F4 से ताकि ये सेल से इधर उधर ना जाए, एंड का साइन लगाया और उसके बाद डबल इंटरेट कामा ओपन किया, फिर अंडरस्कोर डबल इंटरेट कामा क्लोज, फिर उसके बाद मैंने इसको बोला कि A31 इक्वल A34, मैंने यहाँ पे इसको लिखा और फिर उसके बाद इसको बोला एंड A34 से F4 से लॉक कर दिया इसको भी, A को मैं लॉक करूंगा, 34 को मैं रोक के रखूंगा, A के पहले मैं डॉलर का साइन लगा दूंगा, A के पहले मैंने डॉलर का साइन लगा दिया और फिर उसके बाद इसको मैं रेंज दूंगा, कॉमा से इसको रोक दूंगा। अब ये कह रहा है कि टेबल अरे क्या है आपका, तो मैं सबसे पहले अब क्या करूंगा, डेटा को चूज करूंगा, मैं यहां से आऊंगा और मैंने यहां से इसको शिफ्ट प्लस राइट एरो की प्लस डाउन एरो की मैं डेटा को यहां से क्या कर ले रहा हूं, मैं डेटा को यहां से चूज कर ले रहा हूं, F4 से मैंने डेटा को क्या कर दिया, लॉक कर दिया।
कॉमा कॉलम्स, फिर उसके बाद इसका टेबल अरे पूछ रहा है। टेबल अरे मैंने कहा कि टेबल अरे मेरा ये दोनों है, फिर से ब्रेकेट मैंने क्लोज कर दिया, फर्स्ट वाले को मैं लॉक करूंगा और दूसरे वाले को मैं जाने दूंगा। और फिर उसके बाद मैंने कॉलम्स करके कॉमा करके ज़ीरो कर दिया, और कॉमा करके ज़ीरो करके ब्रेकेट को मैंने क्लोज कर दिया, और फिर उसके बाद मैंने कंट्रोल के साथ एंटर दबा दिया। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो मेरा एक स्टूडेंट्स है उसने कितनी बार कौन कौन सा सामान खरीदा हुआ है, वो सारा यहाँ पर आ गया है। दोस्तों यहाँ पर जो हमारा रेफरेंस एरर बता रहा है, रेफरेंस एरर का मतलब यहाँ पर इसको वैल्यू नहीं मिली है जो इसको वैल्यू मिलनी चाहिए। अभी कस्टमर नेम, प्रोडक्ट, प्राइस, डाउन पेमेंट, इंटरेस्ट, ड्यूरेशन, ईयरली, मंथली इंटरेस्ट, मंथली ईएमआई और प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ से इसको घटाकर यहाँ पर इसको रेफरेंस नहीं मिल रहा है, इस क्योंकि यहाँ पर मैंने इसको वो हटा दिया है, उसको मैंने सेलेक्ट नहीं किया था, इस वजह से यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट का क्या कर रहा है वो एरर दिखा रहा है। तो ये रहा हमारा आज, हमने यहाँ पर सीखा। अगर आप चाहते हैं कि रेफरेंस एरर या नॉट अप्लीकेबल यहाँ पर कुछ भी ना दिखाए, तो आप इसको चुपचाप कुछ नहीं करना है, आप इसको दोबारा से सेलेक्ट कर लेंगे और इक्वल के बाद इफ एरर का यूज़ करेंगे, और यहाँ पर इसके बाद कॉमा फिर ब्रेकेट क्लोज कर देंगे, फिर दोबारा उसके बाद कंट्रोल के साथ इंटर कर देंगे। तो आप देखेंगे कि जहाँ पर इसको डेटा नहीं मिलेगा वहाँ पर ये ज़ीरो दिखा देगा, और जहाँ पर मिलेगा इस डेटा में। और अगर आप इसको ड्रॉप डाउन बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट, आप अपने सेल नंबर को सिलेक्ट करेंगे, डेटा पे जाएंगे, डेटा वैलिडेशन पे गए और यहाँ से मैंने लिस्ट उठा लिया। लिस्ट में मैंने सोर्स किया, सोर्स मुझे, मैंने यहाँ से जो मेरा सोर्स डेटा है मैंने उसको क्या कर लिया, मैं उसको यहाँ से चूज कर लूँगा। मैंने डेटा को चूज कर लिया, इंटर कर लिया, इक्वल कस्टमर नेम और ओके कर दिया। तो आप देखेंगे जहाँ पर जिस भी बच्चे का आपको डेटा देखना है आप उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कौन सा बच्चा कितनी बार कौन सा, या कस्टमर या कोई हमारा क्लाइंट कितनी बार कौन सा सामान खरीदा हुआ है, यहाँ पर टोटल का टोटल बताएगा। तो दोस्तों आज की ये इन्फॉर्मेशन, ये हमारी आप वीडियो आपको कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।